हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर के आई हूँ। और यह वाला होम रेमेडी मेरे खुद के ऊपर, मैंने मेरे बालों के ऊपर लगाया है दोस्तों, और इससे मेरे बालों की जो है लंबाई बहुत ही अच्छी हो गई है, बालों की ग्रोथ ज़बरदस्त हो गई है, बालों का टूटना झड़ना जो है दोस्तों बिल्कुल रुक चुका है, बाल जो है नए बाल को उगाता है, बालों को जड़ों से काला करने में ये वाला नुस्खा आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, आपको भी बहुत ही अच्छा असर मिलेगा देखने को। तो आज का इस वाले होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना दोस्तों जो बोला जाता है इसको, गुणों का भंडार होता है ये, हमारे बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करता है, हमारे बालों को ग्रोथ कराता है, नए बाल उगाता है। कहा जाता है अगर मेथी दाना का कंटिन्यू ऑयल लगा करके आप अपने बालों पे लगाते हो तो नए बाल तो उगाता ही उगाता है, गंजे सर पे भी ये बाल उगा देता है दोस्तों, इतना ज़्यादा इसका फ़ायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों को ग्रोथ कराता है, और इसके साथ साथ ही विटामिन्स भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों को जो है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत करता है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, और इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आप इस तेल का कंटिन्यू इस्तेमाल करोगे जो मैंने आपके बताया है, आपके बालों को जो है जड़ से काला करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मेथी दाना दोस्तों कहा जाता है कि हमारी ब्यूटी से साथ के साथ साथ ही हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्प करता है, आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, आपके दर्द वगैरह में बहुत ही ज़्यादा काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके बॉडी में बढ़ाता है। तो मेथी दाना का सेवन हर तरीके से करना चाहिए, हर तरीके से इसको कंज्यूम करना चाहिए, आपकी ब्यूटी में भी बहुत ही बढ़िया हेल्प करता है। दूसरा सामग्री जो मैंने लिया है ये हमारा है कलौंजी, यानी कि ब्लैक सीड्स, मंगरेला भी इसको हम बोलते हैं दोस्तों, हमारे किचन में उपलब्ध होता है ये हमारे जो खाने को स्वादिष्ट बढ़ाता है, बनाता है। इसके साथ साथ इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा होता है, इसमें इतने सारे गुण होते हैं कि आपके बालों को ये जड़ से काला करता है, नेचुरली ब्लैक करता है, और इसके साथ साथ ही आपके बालों को ग्रोथ बहुत ही अच्छा कराता है, नए बाल उगाता है दोस्तों, बालों की लंबाई बहुत ही अच्छा बढ़ जाती है इससे। मेथी दाना और कलौंजी का जब तेल आप बना करके अपने बालों पे लगाओगे ना, आपके बाल नेचुरली रूप से काले होने शुरू हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, नए बाल उगने लगते हैं सर पे। खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस है इसलिए शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा होता है, गुणों का भंडार होता है मंगरेला, हमारे स्वाद के में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अक्सर हम पूरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें मंगरेला, कचौड़ी पकौड़ी में भी मंगरेला का इस्तेमाल किया जाता है, इसको डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हेल्थ में जैसे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, हमारे जैसे जोड़ों के दर्द में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, उसी प्रकार हमारे बालों के लिए वरदान होता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ चाय का पत्ती। चाय का पत्ती का मैंने बहुत सारे DIYs आपके साथ शेयर किया हुआ है दोस्तों। चाय का पत्ती नॉर्मली मैंने, आपने देखा होगा कि चाय के पत्ती का पानी निकाल करके उससे अपने बालों को धोने से आपके बालों की जो कोई भी शाइन होती है, चमक होती है वो वापस आती है, दुमहे बाल को ये बहुत ही अच्छे से सही करता है, बालों को सिल्की शाइनी के साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, लंबाई अच्छे से बढ़ती है, बालों को सुंदर बनाता है। उसी प्रकार आज मैं इसका इस्तेमाल जो दोस्तों इसको तेल बनाने इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसको भी इस्तेमाल डालने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, आपके तेल में जो है ना एक अच्छा इन्ग्रीडियंस मिल जाएगा और आपके बाल बेहद मुलायम, खूबसूरत और सिल्की शाइनी हो जाएंगे दोस्तों। चाय का पत्ती जनरली हर घर में, हर किचन में होता है क्योंकि घर घर के लोग चाय पीते हैं और चाय का पत्ती ईजिली आपको मिल जाएगा, इसलिए चाय पत्ती जो है दोस्तों बहुत सारे होम रेमेडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, घरेलू नुस्खा में इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चांदी के बर्तन सिक्के को साफ़ करने में चाय का पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार आज मैं इसको जो है अपने बालों के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। तो कोई भी छोटा सा कढ़ाई ले ले, कोई भी छोटा सा पतीला ले ले, और उसमें सबसे पहले जो आपको डालना है, आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों कहा जाता है इसके अंदर गुणों का भंडार होता है, तेल में सबसे बेस्ट तेल जो है सरसों के तेल को माना जाता है। कहा जाता है पुराने ज़माने के लोग अपने बालों पे सिर्फ सरसों के तेल ही लगाते थे जिससे उसके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते थे, ये मैंने खुद देखा है, मेरे घर में मेरे दादाजी अक्सर लगाते हैं सरसों का तेल, पूरे बॉडी के साथ साथ वो बालों पे भी लगाते हैं और उनके बाल जो है ना अभी भी 90 के एज में एक भी नहीं झड़े हैं, बिल्कुल काले हैं दोस्तों, बिल्कुल
अच्छा होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको अपने बालों में लगाना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। बॉडी मालिश में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सरसों का तेल आपको लगभग 250 ml 200 ml जितना भी मन करता है आप ले ले, और उसमें एक एक चम्मच आपको मंगरेला, मेथी दाना और चाय का पत्ती डाल करके और उसको अच्छे से मिक्स कर दे। ये जो तेल बनेगा ना, इतना मैजिकल तेल होगा, इतना ज़बरदस्त तेल होगा कि आपके बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल से रोक देगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया वाला तेल बनने वाला है। देख सकते हैं ये तेल जो है ना, कहा जाता है कि नए बाल उगा देगा, बालों को जड़ों से काला करेगा। कुछ नहीं करना है, इस तेल में सभी चीज़ों को मिक्स करके इसको धीमी आंच पे आपको इसको पकाना है। धीमी आंच पे पकाने से क्या होगा, मंगरेला, मेथी दाना और जो चाय पत्ती हमने डाली है इसके बहुत ही अच्छे अच्छे और धीरे धीरे फ़ायदे इस तेल में घुल घुल के आना शुरू हो जाएगा और ये तेल जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम आंच पे इसको पकाना है। तेज़ आंच पे ना पकाएं। जब इसको तेज़ आंच पे आप पकाओगे तो बहुत ही जल्दी ये सभी चीज़ें जल जाएगी और इसका फ़ायदा आपके तेल में नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको कम गैस करके कम आँच पर जिसको 7 से 8 मिनट तक, 10 मिनट तक मैक्सिमम पका सकते हैं। इसको पकाते पकाते आपको फील होगा कि आपका जो तेल है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। ये देख सकते हैं धीरे धीरे जो है ये बहुत ही अच्छे से उबलने लगा है कम आंच पे। और इसी प्रकार हमें दोस्तों इसको और देर तक बनाना है। सरसों का तेल हो गया, ये भी गुणों का भंडार होता है। हमारे खाने पीने में जो है सबसे बढ़िया सरसों का तेल कहा जाता है कि सरसों का तेल जो लोग सेवन करते हैं उसको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छा करता है। हमारे हेल्थ से रिलेटेड हर समस्या का सॉल्यूशन होता है सरसों का तेल। इसलिए दोस्तों सरसों का तेल हर तरह की से फ़ायदेमंद होता है। आपके स्किन के लिए भी होता है अच्छा, आपके बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उसी प्रकार मेथी दाना दोस्तों हमारे हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, आपकी जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपके जो है जोरों के दर्द वगैरह को भी ठीक करता है, क्योंकि इसकी जो तासीर है गर्म होती है। और उसके बाद मैंने कलौंजी का तेल बताया है। कलौंजी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी प्रकार ये सभी चीज़ों को मिक्स करके हमने यहाँ पर 10 मिनट तक कम से कम मिनिमम आँच पर इसको बॉयल कर लिया है, बहुत ही कम आँच पर। और उसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। छानने से और क्या होगा दोस्तों, इसकी जो ये जो दाने वगैरह वो तेल में नहीं आएंगे और आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला बिल्कुल मार्केट वाला तेल मिल जाएगा। इस वाले तेल को दोस्तों आपको जो है जितना इस्तेमाल करना हो उतना इस्तेमाल करें। बाद बाकी का आप स्टोर करके किसी भी कांच की बॉटल वगैरह में रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। 1 महीने तक भी इसको रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सरसों तेल वैसे भी ख़राब नहीं होता है और इसमें हमने सभी चीज़ों को अच्छे से पका दिया है तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, स्टोर करके रख लीजिए और जितना आपको लगाना है उतना लगाने के लिए किसी भी छोटे वाले कटोरी में, बर्तन में तेल निकाल के और बालों की स्कैल्प में यानी कि जड़ों पे आपको ये वाला तेल लगाना है, क्योंकि सारी समस्याएं जड़ों से शुरू होती है। बालों का टूटना झड़ना, स्कैल्प में प्रॉब्लम्स जैसे कि डैंड्रफ हो गया और ये सभी चीज़ें होने की वजह से आपकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके स्कैल्प में धीरे धीरे पूरे बालों पे लगाएं और मसाज दें दोस्तों। बहुत सारे लोग बालों पे मसाज नहीं देते हैं, सिंपली क्या करते हैं लगाते हैं और उसके बाद उसको मसाज नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, बालों पे अच्छे से लगाना है, जिसको ज़बरदस्त ऑयलिंग बोलते हैं वैसी ऑयलिंग करनी है और मसाज देना है। मसाज आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक देना है अपने हाथों से, फिंगर टिप से। इससे जड़ों की नसें खुलेगी और तेल अंदर तक जाएगा और आप बहुत ही बढ़िया पोषण मिलेगा जड़ों को और बाल का टूटना झड़ना बंद होगा। इसी प्रकार आप पूरे बालों पे लगाएं और उसको आप अपने बालों पे लगा के इसको ऐसे ही छोड़ दें। इस वाले तेल को आपको वीक में 2 बार ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, छोटा सा वीडियो? वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।